राहुल गांधी के समर्थन में सोनीपत में भी कांग्रेस ने सत्याग्रह किया। महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास गोहाना से कांग्रेस विधायक जगबीर सिंह मलिक के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह किया। इस दौरान मेयर निखिल मदान भी मौजूद रहे। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी राहुल गांधी की लोकप्रियता से घबराई हुई है। मीडिया के साथियों का भी यहाँ पहुंचने पर स्वागत है। दो साथियों और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो ये सोनीपत की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर कांग्रेस के विधायक और मेयर निखिल मदान की मौजूदगी में, उनके नेतृत्व में ये प्रदर्शन यहां पर किया गया। यहां पर भी गांधी जी की प्रतिमा के नीचे बैठकर सभी कार्यकर्ताओं ने अपना समर्थन राहुल गांधी को दिया है और कांग्रेस का यही कहना है कि राहुल गांधी को सच बोलने की सजा मिली है। राहुल गांधी को अडानी के बारे में सवाल पूछने की ये सजा मिली है और अब ये लड़ाई कांग्रेस ऐसे ही इसी तरह से आगे और भी मजबूती से लड़ती रहेगी। सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा राहुल गांधी को सुनाई, हालांकि उन्हें जमानत मिल गई लेकिन उसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई। राहुल गांधी के समर्थन में देश और हरियाणा से संपूर्ण कांग्रेस पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता अब सत्ता ग्रह कर आंदोलन कर रहे हैं। आप ये कुछ तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं कि सोनीपत में सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और गोहाना विधानसभा क्षेत्र से विधायक जगबीर सिंह मलिक के अतिरिक्त युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और नगर निगम से मेयर निखिल मदान भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार बात कर लेते हैं यहाँ पे विधायक से, जिस तरह से मलिक साहब आज जो ये सत्याग्रह किया जा रहा है सोनीपत में राहुल गांधी के समर्थन में, क्या बोलना चाहते हो? देखिए, मोदी सरकार जो है इस लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू है। अंबेडकर जी ने जो लोगों को अधिकार दिए थे, संविधान बनाया था, उस संविधान को तार तार कर रहा है। राहुल गांधी जी ने उस संविधान को बचाने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की, लोगों के दुख दर्द को जाना, गरीब आदमी की व्यथा को राहुल जी ने समझा और जिस ढंग से राहुल जी की पॉपुलैरिटी देश में बढ़ी उससे घबरा के ये मोदी सरकार, मोदी ने ये हथकंडे, ओछे हथकंडे अपना कर उनको प्रताड़ना की, उनकी लोकसभा की सदस्यता उनकी खत्म की। ये सारा अलोकतांत्रिक कार्य है और इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी सारे देश में सत्याग्रह धरने प्रदर्शन ये कर रही है, रोष प्रकट कर रही है। निखिल मदान है, मेयर है, उनसे बात कर लेते हैं, मैं क्या बोलना चाहते हो? जिस तरीके 3 दिन पहले जब कोर्ट की जजमेंट आई उसके बाद तुरंत लोकसभा स्पीकर ने जो निर्णय लिया, कुछ समय 30 दिन का समय बनता था उसके लिए आगे की कार्रवाई के लिए, ये साफ साफ दिख रहा है कि भी किस तरीके बीजेपी को घबराहट हो चुकी है। राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा चलाई, उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चल रहा है, तो आज जब पूरा देश इनके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ साथ चलने को तैयार हो रहा है, तो ये बीजेपी सरकार की एक बुखलाहट है। देखिए, तो निश्चित तौर पर बिल्कुल एक 100% सिद्ध हो चुका है कि जिस प्रकार की ये कार्रवाई, तानाशाही, ये चाहे हम प्रेस की बात करें, चाहे आज जुडिशरी की बात करें और चाहे आज संसद के जितने भी सदस्य हैं, चाहे स्पीकर साहब ही क्यों ना हो, हम उनकी बात करें, केवल और केवल एक ही भाषा बोलते हैं, भाजपा और मोदी की भाषा बोलते हैं। अब ये सही मायने में लोगों ने देख लिया है, हिंदुस्तान में ही राहुल गांधी जी की मतलब बढ़ती लोकप्रियता को देख के आज मोदी सरकार मतलब ऐसे हथकंडे अपना रही है, जो देश के की जो भी मुद्दे उठाए जा रहे हैं उसको दबाने का काम ये सरकार कर रही है। राजेश खत्री, जी मीडिया, सोनीपत।